हेलो एवरीवन, नमस्कार। आपने देखा होगा कई ऐसी महिलाएं होती हैं, कई ऐसी वुमेन्स होती हैं जिनको रात में सोते समय उनको पैरों में बहुत ज़्यादा खिंचावन होती है, पैरों में क्रैम्प्स होता है, ऐसा लगता है पैरों में बहुत ज़्यादा बेचैनी है, पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है। ये एक बीमारी होती है जिसे हम कहते हैं रेस्टलेस लेग सिंड्रोम, यानी कि हमारे पैरों की बेचैनी होना। और ये क्यों होता है, इसका सिंपल और अच्छा इलाज क्या है, आप घर पर रहकर इसे ठीक कर सकते हैं। सबसे पहले समझिएगा कि रेस्टलेस लेग सिंड्रोम किन में होता है। कई बार क्या होता है कि ये जो रेस्टलेस लेग सिंड्रोम होता है ये कॉमनली किसी भी महिला में देखने को मिलता है देन मेल, यानी कि पुरुषों में बहुत रेयरली देखने को मिलता है लेकिन महिलाओं में ज़्यादा मिलता है। इसके कारण क्या होते हैं, उनको ऐसा फील होता है, ऐसे उनको लक्षण मिलते हैं कि उनके पैर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है, उनको ऐसा लगता है कि पैरों के ऊपर या तो कुछ वजन रख दिया जाए या उनको उनके जो पैर है कोई बच्चा उनके पैरों को दबाए तो उससे क्या होगा, उनको रिलीफ मिलता है। या फिर उनको ऐसा फील होता है कि पैरों में बहुत ज़्यादा अकड़न टाइप की हो रही है, या पैरों में उनको ऐसा लगता है कि बहुत ज़्यादा बेचैनी हो रही है, क्रैम्प्स हो रहे हैं, ऐठन टाइप की हो रही है, बहुत ज़्यादा पैरों को पटकती हैं, हाथ पैरों को पटकती हैं। और कई बार ऐसी महिलाओं को थोड़ा बहुत चलने से उनको, मतलब अगर वो खड़े हो गए थोड़ा बहुत घूम लें तो उनका जो ये बीमारी है वो ठीक हो जाती है। तो ऐसे सिचुएशन में आपको क्या करना चाहिए, क्या ये कोई बड़ी बीमारी है? नहीं, ये कोई बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन इसके लिए कुछ सजेशंस हैं। सबसे पहले, कई बार ऐसी सिचुएशंस कैल्शियम की वजह से बन सकती है, विटामिन D3 की कमी से बन सकती है, आयरन की कमी से बन सकती है। जो पेशेंट्स ऐसे लोग होते हैं जो आयरन, कैल्शियम, विटामिन D3 कम लेते हैं, ऐसी सिचुएशन में उनको मसल्स क्रैम्प की शिकायत हो सकती है, वीकनेस की शिकायत हो सकती है। लेकिन इसके लिए सबसे अच्छा मेडिसिन क्या है, अगर हम होम रेमेडीज़ की तरफ जाएं या फिर हम कोई होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक मेडिसिन की तरफ जाएं तो सबसे अच्छा मेडिसिन होता है जैल्सीमियम। जैल्सीमियम क्या होता है कि हाथ पैरों की कमजोरी, कई बार आपने देखा होगा रेस्टलेस आर्म सिंड्रोम होता है, यानी कि जैसे पैरों की सिंड्रोम होती है वैसे हाथों की भी सिंड्रोम होती है। तो ऐसी सिचुएशन में आप अपने हाथों को या पैरों में जो कमजोरी है, ऐठन हो रही है या जिनमें बेचैनी बहुत ज़्यादा हो रही है, ऐसे सिचुएशन में आप जैल्सीमियम 30 पोटेंसी से ठीक कर सकते हैं। जैल्सीमियम 30 पोटेंसी आपको शाम को दो ड्रॉप रात में इवनिंग में सोते समय ले सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप ठीक हो सकते हैं। जैसे हाथ आपने देखा होगा कभी कभार राइटिंग क्रैम्प होता है पेशेंट को, यानी कि लिखते लिखते उसका हाथ अकड़ जाता है, पेशेंट लिख नहीं पाता है, तो इसके लिए बहुत ही उपयोगी है हाथ पैरों की, स्पेशली एक्सट्रीमिटीज़ की, यानी हाथ पैरों की बहुत ज़्यादा वीकनेस, मसल्स डिस्ट्रॉफी होता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस होती है, ऐठन टाइप की होती है हाथ पैरों में, बहुत ज़्यादा कमजोरी सी फील होता है, बहुत ज़्यादा बेचैनी हाथ पैरों की होती है, हाथ पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होता है, तो जैल्सीमियम 30 से आप ठीक कर सकते हैं। इसे 3 से 4 महीने के लिए आप लेंगे तो आपकी समस्या ठीक हो जाएगी। दूसरी मेडिसिन है रस्टॉक्स। रस्टॉक्स भी बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, जिन पेशेंट को लगता है कि मुझे मेरे पैरों में स्पेशली बहुत ज़्यादा दर्द होता है, ऐठन होती है, बहुत ज़्यादा क्रैम्प होता है, या उनको रेस्टलेस लेग सिंड्रोम है, तो ऐसी सिचुएशन में उनको चलने फिरने से आराम मिल जाता है। रस्टॉक्स बहुत ही कमाल की मेडिसिन है, 200 पोटेंसी सुबह और शाम ले सकते हैं, और अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है तो आप इसे 3 बार ले सकते हैं, सुबह, दोपहर एंड शाम को ले सकते हैं। 2 से 4 ड्रॉप्स आप डायरेक्ट ड्रिंक पर ले सकते हैं सुबह, दोपहर एंड शाम को, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। आई होप कि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव होगा और बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाए होंगे। इसमें काफ़ी डॉक्टर्स होते हैं, एंटी डिप्रेसेंट, एंटी एंजाइटी वाली मेडिसिन देते हैं, नींद की दवाइयाँ देते हैं, जो जिससे उनको आराम रिलीफ नहीं होता है, लेकिन ये बहुत ही कमाल का, बहुत ही अच्छा और आसान ट्रीटमेंट है जो मैंने आपको बताया है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं और आपको ये समस्या रहती है। इन दवाइयों को ज़रूर उपयोग करें, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करें, कुछ पूछना चाहे तो कमेंट करें। नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, जय हिंद।